और यार जुगाड़ किसको कहते हैं ना, हम लोगों से सीखना चाहिए। ये सब यार जर्नी का जिसको कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार काफी दिनों के बाद, काफी दिनों तक आपने वीडियोस देखा बिहार के, पटना के और उससे सराउंडिंग एरियाज के। आज नया ट्रिप शुरू करते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास लोगों की रीच कम थी, तो एक नया ट्रिप शुरू करते हैं आज। और ये ट्रिप मेरे लिए भाई तो अलग ही लेवल होने वाला है, क्योंकि आज तक मैं बिहार से बाहर एक बार गया हूँ, जो कि आपके साथ शेयर किया है, दिल्ली वाला एक्सपीरियंस, अकेले गया था। इस बार बिहार से बाहर नहीं भाई, इंडिया से ही बाहर जा रहे हैं पहली बार, वो भी अकेले, घर से कोई साथ में नहीं है, बट एक अलग इंसान साथ में है, उसको भी आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। और इस बार जा रहे हैं नेपाल, तो ये पहला वीडियो होने वाला है नेपाल सीरीज का। और नेपाल सीरीज का यार वीडियो कंटिन्यू आएगा, करीब 18-20 टॉपिक हैं वहाँ टूरिस्ट प्लेसेस जिनका के वीडियो आएगा, उसका ये पहला वीडियो हो रहा है। ट्रेन जर्नी जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा मुजफ्फरपुर से लेकर रक्सौल तक, स्टार्ट यहीं से होता है भाई, रक्सौल जाने का, फिर बॉर्डर चेंज हो जाता है, फिर वो अलग दिखाएंगे। सेकंड वीडियो आएगा आपका रक्सौल से थामेल कैसे जाएंगे। और अगर ये वीडियो पूरा होने वाला है, आप नेपाल जाना चाहते हो, कहाँ घूम सकते हो, कैसे घूम सकते हो, कितने पैसे लगेंगे, और ओवरऑल जो पहला ट्रैवलर है, जो पहले अकेले निकल रहा है, उन लोगों के लिए एक गाइड होगा ये कि आप कैसे जा सकते हो। तो मैं जिनकी बात कर रहा था कि वो कौन है हमारे, तो मिलाते हैं आपको नए इंसान से। ये देखो, इसको आप पहचान रहोगे, एमटी का हमारा फ्रेंड है, साथ जा रहा है, अभी ट्रिप शुरू नहीं हुआ है भाई, बट ये बंदा पहले ही हो चुका है भाई। हम सो जाएंगे, ट्रेन आएगी देखा जाएगा। शुरू करते हैं ऐसे वीडियो को और दिखाते हैं आपको पटना से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर रक्सौल तक की ट्रेन जर्नी क्या क्या होती है बीच रास्ते में, चूंकि भाई मैं बिहार से बाहर पहली बार तो जा चुका हूँ दिल्ली, और इंडिया से बाहर पहली बार जा रहा हूँ नेपाल। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे होगा, यार पूरा प्रोसेस इस सीरीज में आएगा, तो पूरा सीरीज देखिएगा, आज से वो पूरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं ट्रेन जर्नी। हमारा ट्रेन है 11 बजे से, लेकिन अभी टाइम हो रहा है मात्र 9:30, तो वेट ही करना है, और क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं कुछ यहाँ का शॉट पहले, उसके बाद ट्रेन आएगी वो भी दिखाएंगे। और यार मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जब आप आते हो ना, तो एक अलग ही चीज़ देखने को मिलता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, जनरली फर्स्ट प्लेटफॉर्म के बाद सेकंड प्लेटफॉर्म शुरू होता है, थर्ड प्लेटफॉर्म, और ग्रेजुअली वो बढ़ते जाता है 6-7-8 तक। यहाँ क्या है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये देखो, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6, इस साइड जो है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6, और इस साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 1, इसके बगल में है 2। तो भाई ये एक अलग ही अजूबा दिखा है मुझे, कि एक के बगल में 6 है और 7-8 इधर है, फिर 1-2-3-4-5 उधर है, अगर इसके अलावा भी कहीं बिहार में है और कहीं और है और आप वहाँ से देख रहे हो वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा भी कहीं और है प्लेटफॉर्म की एक के बगल में 6 आता है। और मुजफ्फरपुर वालों, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना है कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और देख रहा हूँ हमारे यहाँ ऐसा भी कुछ है। यार जुगाड़ किसको कहते हैं ना, हम लोगों से सीखना चाहिए। यार इतना देर, एक घंटा, एक तो 11 बजे से ट्रेन ही थी, एक घंटा डिलेट दिखा रहा है 12 बजे का ट्रेन को आते आते, अब इतना देर कौन बैठे भाई प्लेटफॉर्म पे। तो बगल के प्लेटफॉर्म पे जो मैं 6 और 1 की बात कर रहा था, तो उस पर एक ट्रेन आ गई पाटलिपुत्रा से, और ट्रेन वो अनाउंसमेंट में मैंने सुन लिया कि वो ट्रेन यहीं रुकेगी अभी 3 बजे तक। हम बोले हटाओ यार, छोड़ो प्लेटफॉर्म छोड़ो, चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं जब तक ट्रेन रुकेगी तब तक यहीं रेस्ट करते हैं आराम से। ना तो इस ट्रेन का टिकट है हमारा, ना कुछ है, बट हाँ जहाँ जाना है वहाँ का टिकट है मेरे पास, तो मुजफ्फरपुर में हॉल्ट तो कर ही सकते हैं। और जुगाड़ बनाया हमने इस ट्रेन में अपना आराम से रेस्ट करने का। ट्रेन आएगी जब जाने वाली रक्सौल, तो वहाँ भी निकलेंगे, बट अभी नहीं आई है,
जब तक नहीं आई है तब तक यहीं रेस्ट करते हैं। और यार पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये देखो पूरी ट्रेन खाली है, यहाँ तक पीछे पीछे तक खाली है, इधर भी खाली है, बस हम जैसे दो लोग, एक इधर सो रहे हैं एक हम सो रहे थे, बट सोएंगे तो नहीं यार, क्या ही सो पाएंगे एक घंटे में, बट जितना तक है तब तक रेस्ट करते हैं। फैन चल रहा है, ट्रेन आएगी, निकलेंगे, रक्सौल दिखाते हैं वो भी। ये सब यार जर्नी का जिसको कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस है, अनप्लैंड अनएक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस है, जो कि इसको ना कोई सोचा था कि कुछ ऐसा होगा, बीच रास्ते में दूसरी ट्रेन पे सो रहे होंगे हम लोग। तो सही है यार, कुछ अच्छा कुछ बुरा हर चीज़ को फेस करते हुए ट्रैवल सीरीज को कंप्लीट करना है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और यार काफ़ी इंतज़ार करते करते, जिसको कहते हैं ना कि इंतज़ार की भी इंतहा हो गई, उसके बाद आया है 12 बजे, एक घंटा डिले करके, और नाम है इसका श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन, रक्सौल तक जाएगी। कोई बात नहीं भाई, लेट से आया, जिसको कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, पहुंचा दे सुबह में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं ट्रेन के अंदर, बैठते हैं, देखते हैं अब इसका जर्नी कैसा रहता है, किस स्पीड पे चलती है और कितना टाइम भी लेकर जाती है। चलते हैं अंदर। और यार मुजफ्फरपुर से तो ट्रेन खुल चुकी है, टाइम हो रहा है 7:30 या 8 के आसपास हो रहा है, 12:10। अब रक्सौल का टाइम है 3:30, मेरे हिसाब से 3:30 नहीं पहुंचेगा, देखते हैं हम भी, बताते हैं आपको भी कब तक पहुंचे, और पूरा सीरीज शेयर करते हैं यार, नेपाल सीरीज आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार आ रहे हो। के बाद ना सबसे पहले जिसको कहते हैं बैड रिमार्क अगर दोगे या फिर जो नेगेटिव पॉइंट है वो बताता हूँ इस ट्रेन की, लाइक जो ये मेला स्पेशल या इसको जो ही बनाया ये लोग रक्सौल तक भागलपुर से ले गए, हर ट्रेन में चार्जिंग सॉकेट होता है, तो इस ट्रेन में और पर्टिकुलरली इस कोच में जो S3 है उसमें देखो कहीं भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, उसके जगह पर इन्होंने क्या लगा रखा है 10 एम्पियर का स्विच, जिससे कि आपका फैन और लाइट कंट्रोल होगा, भाई किसी को फुल चार्ज करना होगा वो कहाँ से करेगा। तो यार फाइनली सुबह के बज रहे हैं 5:05 या 5:10 हो रहा है यार, ये ट्रेन करीब करीब 4:15 के बीच में रक्सौल जंक्शन पर लाकर हमें छोड़ दी है, क्योंकि सुबह होने की वजह से यार बहुत लाइक अंधेरा था, लाइट नहीं था, इस वजह से बहुत से शॉर्ट कट गए, रास्ते के भी शॉर्ट कट गए, क्योंकि रात हो जाने की वजह से अंधेरे में नहीं उठ पा रहा था, मैं ट्राई किया बट बहुत ही कम शॉट आए, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। बट अब यहाँ से चलते हैं आगे बीरगंज तक, पहले तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वो दिखाएंगे कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, और कहाँ से उसके लिए ऑटो मिलता है, बाद बाकी मिलते हैं भैया से। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है पहली बार आए हो रक्सौल में? अच्छा जगह है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, नया एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई साहब को। और यार जहाँ तक बात रही रक्सौल जंक्शन की, तो इसके बारे में बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा और छोटा हर का क्राइटेरिया आप, तो यहाँ मेरे 3 प्लेटफॉर्म है, एक उस साइड है मेन, 2 जहाँ हम खड़े हैं, और 3rd इस साइड है जिसपे ट्रेन लगी हुई है। तो निकलते हैं रक्सौल जंक्शन से बाहर, लेते हैं ऑटो और चलते हैं बॉर्डर। We'll be right back.
तो यार रक्सौल से बीरगंज क्रॉस करते करते इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अभी खड़े हैं हम नेपाल के बीरगंज में। तो वीडियो को अभी तक के वीडियो में आपने देखा पटना से मतलब मुजफ्फरपुर से रक्सौल और रक्सौल से बीरगंज तक की जर्नी, आगे भी चलते हैं नेपाल चलेंगे, बट इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वो मैं बोल रहा था ना कि नेपाल आने के बाद जो सबसे पहला ज़रूरी काम है, तो वो दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो में कि वो पहला ज़रूरी काम क्या है और नेपाल में आने के बाद पहला काम क्या करना चाहिए। गाड़ी हमने बुक कर लिया है काठमांडू तक जाने के लिए, चलेंगे इसी गाड़ी से, बट पहला काम जो बच रहा है वो आगे की वीडियो में जरूर आइएगा देखने को, पहला काम है क्या भाई नेपाल पहुंचने के बाद। बात बाकी गाइस, अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि नेपाल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग।